हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान गंगा एकेडमीज इंटरैक्टिव क्लासेस। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल वर्क इन टू सब्जेक्ट्स, फर्स्ट इन इंग्लिश एंड सेकंड इन मैथ्स। वी विल स्टार्ट विद इंग्लिश एंड स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश राइटिंग बुक कर्सिव वर्कबुक पार्ट वन। बच्चों, आज हम टू सब्जेक्ट्स में वर्क करेंगे। पहले हम इंग्लिश में वर्क करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स में वर्क करेंगे। और ये आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक है, कर्सिव वर्कबुक पार्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 68। और अब हम आपकी इंग्लिश की राइटिंग बुक के पेज नंबर 68 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 68 निकालेंगे। एंड आर टूडेज टॉपिक इज कैपिटल लेटर W एंड कैपिटल लेटर X। और आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल लेटर W एंड कैपिटल लेटर X। तो सबसे पहले हम W से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ये है W एंड W फॉर वेल, W एंड W फॉर वेल। इससे पहले आप W फॉर वॉच आपने पढ़ा है, ठीक है ना? और यहां पर आपको बुक में दिया है W फॉर वेल। तो वेल किसे बोलते हैं? वेल बोलते हैं कुएं को, जहां से पानी भरते हैं, ठीक है? पहले टाइम में जब घरों में नल नहीं होते थे सबके घरों में, तो दूर दूर जगहों पर इस तरीके के कुएं बने हुए होते थे, है ना? तो वहां से लोग पानी भर के लाते थे, इसे बोलते हैं वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है W, राइट, और X। तो W से शुरू करते हुए हमेशा की तरह डॉट से शुरू करेंगे और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अप, फिर सेकंड में अप और डाउन। ये देखिए थोड़ा थोड़ा वी की तरह बनेगा, ठीक है ना? फिर अप डाउन, ये वी बना, और फिर नीचे दोबारा इसको लेके आएंगे डाउन, फिर अप, और फिर यहां से ऐसे कर्व कर देंगे, तो ये बन जाएगा W। पहले एक वी बनाना है, फिर दूसरा वी बनाना है, तो ये बन जाएगा W, ठीक है ना? टू वी को मिलाकर बना है W। इसी तरीके से यहां पर W, W फॉर वेल, राइट? तो पहले हम ट्रेसिंग वाला, और फिर उसके बाद जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से W बनाना सीखेंगे। तो ये तो हो गई ट्रेसिंग वाली लाइन। इसी तरीके से आप अपनी बुक में और भी जहां यहां पर ट्रेसिंग दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर हम कैसे बनाएंगे? वन डॉट आपको दिया है, वन डॉट हम यहां लगा देंगे ऊपर, फिर वन यहां लगाएंगे, फिर वन यहां लगाएंगे, वन यहां और वन यहां, ठीक है? तो टोटल आपको यहां पर कितने डॉट्स चाहिए? सिक्स डॉट्स चाहिए। तो वन तो लगाया और फाइव और लगाने हैं, यहां से अप डाउन, अप डाउन, अप, और यहां से कर्व कर दिया ना, तो ये बन जाएगा W। फिर देखिए दोबारा से कैसे करेंगे, यहां से अप डाउन अप, और ये कर्व, अप डाउन अप डाउन एंड अप, राइट? तो इस तरीके से आप भी अपनी बुक में जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर इस तरीके से डॉट्स की हेल्प से W बना लेंगे। अप डाउन अप डाउन अप, और यहां से छोटा सा सर्कल बना के उसको कर्व कर दिया, राइट? तो इस तरीके से टू वी को जोड़ कर, ये देखिए यहां से स्टार्ट किया, ये वन वी बना, फिर यहां से नीचे लेके आए, फिर एक और वी बनाया और यहां से कर्व कर दिया, है ना? तो ये बन गया W, W फॉर वेल। इसी तरीके से पेज नंबर 69 पर भी आपको W फॉर वेल ही बनाना है। तो पहले ट्रेसिंग पर, और फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर इस तरीके से डॉट्स की हेल्प से आप अपनी बुक में लेटर बना लेंगे W, W फॉर वेल, राइट? उसके बाद
हम चलते हैं नेक्स्ट लेटर पे, एक्स पे, है ना। तो ये हो गया पेज नंबर 69, इस पे आपको डब्ल्यू लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 पर यहां पर आपको दिया गया है लेटर एक्स, और एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स एक्स फॉर एक्समस ट्री, जो आप देखते हैं क्रिसमस पे, है ना, स्कूल में भी आपको दिखाया जाता है। स्कूल में आप एक्टिविटीज करते हैं, एक्समस ट्री देखते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, ये वही है एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री, ठीक है। तो अब हमें एक्स बनाना है। एक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, टू कर्व्स बनाने हैं। ये देखिए वन कर्व तो ये बनाया, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेकेंड कर्व दूसरी साइड से उसको टच करते हुए हमें बनाना है, ठीक है ना। एक का मुंह इधर को करना है और दूसरे का मुंह उधर को करना है, तो ये बन जाएगा x, x फॉर एक्समस ट्री, ठीक है ना। टू c बनाने हैं हमें, एक सीधा c और एक उल्टा c। ये तो हो गया उल्टा c और ये हो गया सीधा c, है ना। तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा x फॉर एक्समस ट्री। ये देखिए दोनों का जो बैक है वो एक दूसरे पे टच होना चाहिए, तो ये ट्रेसिंग लाइन हो गई। अब जहां पे ट्रेसिंग नहीं है वहां पर कैसे बनाना है, वन डॉट हमें दिया है, वन हमने यहां पर लगाया ऊपर और वन हमने यहां लगा दिया नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और यहां से एक कर्व बनाएंगे ऐसे, ये कर्व बना दिया, और फिर दूसरा सी इधर से बना देंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x, राइट। तो ऐसे ही यहां पर एक कर्व इधर से बनाया और फिर दूसरा कर्व इधर से बनाया, तो x फॉर एक्समस ट्री, एक कर्व इधर से बनाया और दूसरा कर्व उसको टच करते हुए इधर से बना दिया, बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से हमें ये लेटर बनाने हैं, ठीक है ना। टू सी हमें बनाने हैं, एक राइट एक लेफ्ट, है ना, एक सीधा और एक उल्टा। तो इस तरीके से यहां पर बना लिया। उसके बाद पेज नंबर 71 पे भी आपको एक्स फॉर एक्समस ट्री बनाना है, तो पहले ट्रेसिंग वाली लाइन पर और उसके बाद फिर जहां पर ट्रेसिंग नहीं है वहां पर डॉट्स की हेल्प से इस तरीके से हम उसको बना लेंगे, x फॉर एक्समस ट्री, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप अपने बुक में पेज नंबर 70 और पेज नंबर 71 पर x फॉर एक्समस ट्री लिखेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश की बुक में आज आपका टू लेटर्स का वर्क है, W फॉर वेल और X फॉर एक्समस ट्री। तो ये दोनों लेटर आप अपने बुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में इस तरीके से ट्रेसिंग पर और डॉट्स की हेल्प से इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप चलते हैं आपके सेकेंड वर्क पे, मैथ्स में। एंड नाउ दिस इज योर मैथ्स बुक नंबर्स 1 to 20 एंड वी आर ऑन पेज नंबर 48। और अब हम आपकी मैथ्स की बुक के पेज नंबर 48 पर हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे। And our today's topic is count and match the numerals. आज का हमारा टॉपिक है count the picture and match the numeral. मतलब आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है यहाँ पर, आपको उन्हें काउंट करना है और उसके बाद उसके करेक्ट नंबर के साथ उसे मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी हम काउंट करेंगे तो टिक करके काउंट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लॉक्स दिए गए हैं, ताले दिए गए हैं आपको, आपको क्या करना है, उन्हें वन बाई वन काउंट करना है। तो काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितने लॉक्स हैं, 1, 6, 16. तो देखेंगे यहां पर 1, 6, 16 कहां लिखा है। सबसे पहले लिखा है 1, 7, 17.
फिर लिखा है 1919 और फिर थर्ड नंबर पे है 1616, तो यहाँ पर लॉक्स भी 1616 है, तो यहाँ पर हमें इसके साथ इसको मैच कर देना है, तो हम ये लॉक्स को 1616 से मैच कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है, यहाँ पर क्या बने हुए हैं, ये कुछ गाड़ियां बनी हुई हैं, है ना, इनको हम काउंट करेंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 7 है, 17 है यहाँ पर, तो अब हम देखेंगे 1717 कहाँ लिखा है, देखिए सबसे पहले 1717 है, तो हम इसको इसके साथ मैच कर देंगे 1717 के साथ। उसके बाद यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स हैं, ठीक है ना, अब गिफ्ट्स को काउंट करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर कितने गिफ्ट्स हैं, 1919। अब कहाँ लिखा है 1919, देखते हैं, सबसे पहले 1717 और फिर 1919, तो हमें गिफ्ट्स को इसके साथ मैच कर देना है क्योंकि ये 1919 है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से ये नीचे की पिक्चर्स भी आप काउंट करेंगे, यहाँ पर आपको कीज दी गई हैं, चाबियां, और यहाँ पर ये स्नेल्स हैं, ठीक है ना, ये एक तरह का कीड़ा होता है स्नेल्स, ठीक है, तो इनको आपको काउंट करना है और काउंट करके फिर इनके करेक्ट नंबर के साथ यहाँ पर इन्हें मैच करना है कि कौन से कितने हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में पेज नंबर 48 पर काउंट एंड मैच द करेक्ट नंबर की आप करेंगे, ऊपर मैंने तीन आपको बता दिया है कि कैसे आपको करना है, ठीक है ना, टिक करके काउंट करेंगे और काउंटिंग बोल के काउंट करेंगे और उसके बाद उसके करेक्ट नंबर के साथ उसको मैच करेंगे अपनी बुक में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप ध्यान से अपनी बुक में करेंगे, टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। Thanks for being with us.